नमस्कार। इसराइल ने पलटवार करते हुए गाजा पट्टी क्षेत्र में सैकड़ों ठिकानों पर हमला किया है, जिसमें भारी तबाही हुई है। बता दें कि अब इसराइल गाजा पट्टी में ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, जिसमें अब तक कुल 1,587 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का अब इस युद्ध पर बड़ा बयान सामने आया है। बाइडेन बोले हैं कि हमारे 11 नागरिकों की मौत हुई है। हमास का हमला आईएसआईएस जैसा है। इसराइल हमास के बीच युद्ध का आज चौथा दिन है। इसी बीच आपको बता दें, अमेरिका ने ईरान को भी बड़ी चेतावनी दी है। जो बाइडेन का कहना है कि हमास युद्ध से दूर रहे ईरान।